हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल, मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो में हम SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के स्मार्ट शील्ड प्लान की डिटेल को समझेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये प्लान एक प्योर रिस्क प्लान है। सिंपल शब्दों में कहा जाए, हम जो प्रीमियम यहाँ पे कंपनी को पे करेंगे, जो भी हम प्लान ऑप्शन चुनेंगे, पॉलिसी टर्म लेंगे अपनी नीड के अनुसार, उसके आधार पे कंपनी हमें इस प्लान में सिर्फ लाइफ कवर देगी, राइट। यानी कि अगर पॉलिसी टर्म के दौरान हमारी डेथ हो जाती है तो हमारे नॉमिनी को क्लेम दे दिया जाएगा, तो यानी कि वो पहले से ही निश्चित अमाउंट होगा, ठीक है। अब बात आते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो प्लान को लेने के लिए जो आयु सीमा रखी गई है वो है 18 साल से लेकर के 60 साल तक की। यानी कि 18 साल से लेकर के 60 साल तक के व्यक्ति इस प्लान को ले सकते हैं और वो 80 साल की उम्र तक अधिकतम इस प्लान में अंडर द कवर रह सकते हैं। मिनिमम जो सम अजॉर्ड का लिमिट है वो 25 लाख रुपए का है। बात आती है पॉलिसी टर्म की, तो कम से कम 5 साल का पॉलिसी टर्म है, अधिकतम 80 में से आप अपनी उम्र को घटा दीजिएगा। बात आती है प्रीमियम पेमेंट टर्म की, तो दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, सिंगल पे यानी कि वन टाइम प्रीमियम पे करना, रेगुलर पे यानी कि जितने साल का पॉलिसी टर्म उतने साल आप प्रीमियम पे करेंगे, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे मोड ऑफ प्रीमियम की, तो सिंगल पे का मतलब आपको पता ही है कि वन टाइम, ओके। उसके बाद आपको ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली मोड मिल जाता है। अगर आप मंथली प्रीमियम पे करेंगे तो 3 प्रीमियम एडवांस आपको पे करनी होगी, ठीक है। बात आती है मिनिमम प्रीमियम के लिमिट की। सिंगल प्रीमियम के केस में 11,000 रुपए का कम से कम प्रीमियम का लिमिट है, और हम रेगुलर मोड लेते हैं तो सालाना कम से कम 3,000 रुपए का प्रीमियम पे करना होगा। और छमाही प्रीमियम पे करते हैं अगर हम, तो 1,500 रुपए का लिमिट रखा गया है। अगर आप तिमाही प्रीमियम पे करना पसंद करते हैं तो 750 रुपए का कम से कम का प्रीमियम होना ही चाहिए। और अगर आप मासिक किस्तों में प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो 3 एडवांस प्रीमियम एक साथ पे करनी होगी, और कम से कम 300 रुपए का लिमिट यहाँ पे रखा गया। अधिकतम लिमिट डिपेंड करती है कंपनी के ऊपर कि आप कितना समझ और आपको वो अप्रूव करते हैं उसके अनुसार। प्लान में दो वेरिएंट है, लेवर टर्म एश्योरेंस और इंक्रीजिंग टर्म एश्योरेंस। लेवल का मतलब है जो सम अजॉर्ड आपने लिया थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म सेम रहेगा। इंक्रीजिंग टर्म एश्योरेंस का मतलब है कि एवरी ईयर आपके बेसिक सम अजॉर्ड का 5% आपका सम अजॉर्ड बढ़ता जाएगा। बात आती है बेनिफिट की, तो ये प्योर रिस्क प्लान है यानी कि एक टर्म इंश्योरेंस है, तो इसमें आपको कोई मैच्योरिटी बेनिफिट ऑप्ट करने का ऑप्शन नहीं है, सर्वाइवल बेनिफिट भी नहीं मिलता है। हाँ, आप इसमें राइडर ऐड कर सकते हैं, AD का मतलब है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, और AT का मतलब है एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी। अगर आप इन दोनों राइडर की इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपके लिए अलग से वीडियो लेके आएंगे। अब जो इसमें नेक्स्ट बेनिफिट है वो है प्रीमियम पे डिस्काउंट। अगर प्लान लेते वक्त आपका जो सम अजॉर्ड है वो 50 लाख रुपए से लेकर के 99 लाख रुपए तक का है, तो आपके प्रीमियम पे आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। अगर आपका सम अजॉर्ड 1 करोड़ रुपए से लेकर के 4 करोड़ 99 लाख तक का है तो 25% तक का आपको प्रीमियम पे डिस्काउंट मिल जाएगा फर्स्ट टाइम। यदि आपका सम अजॉर्ड 5 करोड़ या उससे ज्यादा, कितना भी आपकी एलिजिबिलिटी के अनुसार, तो आपका जो प्रीमियम है उस पर आपको 30% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। प्लान में आपको सरेंडर वैल्यू का भी ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन अगर आपने रेगुलर पे यानी कि जितने साल का पॉलिसी टर्म उतने साल प्रीमियम पे करने वाला ऑप्शन चुना है तो आपको सरेंडर वैल्यू नहीं मिलेगा। सिंगल पे के केस में सरेंडर वैल्यू मिल सकती है। बात आती है डेथ बेनिफिट की, तो डेथ बेनिफिट के रूप में हमें सम अश्योर्ड ऑन डेथ मिल जाता है। और बात करें कि सम अश्योर्ड ऑन डेथ है क्या, तो दोनों ही ऑप्शन में सेम ही तरीके से सम अश्योर्ड ऑन डेथ निकाला जाता है, बस बेसिक सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ निकालने के लिए क्या करेंगे, रेगुलर प्रीमियम पे किया है तो सालाना प्रीमियम का 10 गुना कर लेंगे, और सिंगल प्रीमियम पे किया है तो उसका 1.25 गुना कर लेंगे, फिर उसका कंपैरिजन कर लेंगे टोटल पेड प्रीमियम का 105%, फिर उसका कंपैरिजन कर लेंगे सम अश्योर्ड से, जो भी ज्यादा होगा सम अश्योर्ड ऑन डेथ हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इंक्रीजिंग टर्म अश्योरेंस ऑप्शन लिया होगा तो सम अश्योर्ड की जगह कंपैरिजन किया जाएगा इफेक्टिव सम अश्योर्ड के साथ, बाकी सेम चीजें रहेंगी। अब ये इफेक्टिव सम अश्योर्ड है क्या इंक्रीजिंग टर्म अश्योरेंस के केस में, इनिशियल सम अश्योर्ड का मतलब हो गया जो आपका बेसिक सम अश्योर्ड है, उसका आप गुणा कर देंगे 1.5%, और जितने नंबर ऑफ प्रीमियम आपने जितने नंबर ऑफ पॉलिसी अगर आपने कंप्लीट कर ली है उसके साथ उसका मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। इनिशियल सम अश्योर्ड का मतलब क्या है, बेसिक सम अश्योर्ड, उसमें गुणा कर देंगे अंडर ब्रैकेट में 1+5% मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कंप्लीटेड पॉलिसी है, ठीक है। अब यहाँ पे उदाहरण ले लीजिए आप लेवल टर्म अश्योरेंस के लिए, मान लेते हैं श्रीमान ए है जिनकी आयु 30 साल की है, 30 साल का ही वो पॉलिसी टर्म ले रहे हैं, सम अश्योर्ड उन्होंने लिया 1 करोड़ रुपए का, सिंगल प्रीमियम तो ऐसे में वो यहाँ पे करेंगे 2,13,015 रुपए,
राइट, बेस प्रीमियम में टैक्स इंक्लूड नहीं है। अब मान लेते हैं कि पॉलिसी के 5 साल बाद ये पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं, तो ऐसे में सिंगल प्रीमियम का 15% निकाला जाएगा, फिर उसका गुणा कर दिया जाएगा आउटस्टैंडिंग टर्म को डिवाइड करके पॉलिसी टर्म के साथ में और गुणा 1। अब 5 साल बाद पॉलिसी को कर रहे हैं सरेंडर, तो आउटस्टैंडिंग पॉलिसी टर्म हो गया यहाँ पे 25। सिंगल प्रीमियम हमारा 2,13,015 रुपए का, उसका 75% निकालेंगे तो 1,59,561.25 आएगा। 25 को 30 से आप डिवाइड कर देंगे तो 0.8333 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे तो 1,33,129 रुपए कुछ पैसे का अमाउंट हो जाएगा सरेंडर वैल्यू के रूप में। अब वीडियो को कर लीजिए आप फुल स्क्रीन पे। अब ये जो प्रीमियम का एग्जांपल आ रहा है स्क्रीन पे, ये भी लेवल टर्म अश्योरेंस ऑप्शंस के लिए ही है, 35 साल की उम्र के साथ 50 लाख के कवर के साथ। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, 35 साल की उम्र है, 50 लाख का सम अश्योर्ड लेते हैं और 15 साल का पॉलिसी टर्म लेंगे तो 9,378 रुपए, 20 साल का पॉलिसी टर्म लेंगे तो 11,160 रुपए सालाना, 25 साल का पॉलिसी टर्म लेंगे तो 13,442 रुपए सालाना पे करना होगा। अगर स्मोकिंग नहीं करते हैं, 35 साल की उम्र है, 50 लाख रुपए का सम अश्योर्ड लिया है, 15 साल का पॉलिसी टर्म है तो 7,412 रुपए सालाना प्रीमियम होगा, 20 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 8,627 रुपए और 25 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 10,247 रुपए। ठीक है जी। अब देखिए प्रीमियम कहाँ से कैलकुलेट किया जाता है, इनका ऑनलाइन कैलकुलेटर है, वो सीधा यूज कर लेना है, ज्यादा दिमाग लगाने की हमें आवश्यकता है ही नहीं क्योंकि इन्होंने ऑप्शन दे रखा है। बात आती है ग्रेस पीरियड की, तो 15 दिन का ग्रेस पीरियड है अगर आप मासिक किस्तों में प्रीमियम पे करेंगे, बाकी सालाना छमाही तिमाही प्रीमियम पे करते हैं तो 30 दिन का ग्रेस पीरियड है। रिवाइवल पीरियड 5 साल का मिल जाता है आपको। बात आती है फ्री लुकअप पीरियड की, अगर डायरेक्ट कंपनी से प्लान लिया होगा तो 15 दिन का फ्री लुकअप पीरियड मिलेगा, अगर आपने ऑनलाइन लिया है या अदर किसी थर्ड पार्टी सोर्स से लिया होगा तो 30 दिन का फ्री लुकअप पीरियड मिलेगा। यही वो टाइम ड्यूरेशन होता है जिसके दौरान अपनी पॉलिसी आप कैंसिल करा सकते हैं। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कुछ ज्यादा इस प्लान में जानने के लिए अब है भी नहीं। अब एक चीज खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं, इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते, और टेलीग्राम चैनल से PDF लेके जरूर पढ़ लेते हैं जिससे जानकारी मिल जाए पूरी, रहे ना अधूरी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का, थैंक यू सो मच।